फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी ओर महंगाई की मार, इन दोनों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले राशन का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। महंगे होते खाने के तेल से आम आदमी की कमर टूट गई है। रही सही कसर महंगे पेट्रोल और बिजली ने पूरी कर दी है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद महंगाई बेकाबू होती दिख रही है। दिसंबर में खुदरा महंगाई 6 महीने के ऊंचाई पर पहुंच गई है। दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 5.59% रही। नवंबर में खुदरा महंगाई दर 4.91% थी। खाने के तेल, महंगी साग सब्जियों और महंगे पेट्रोल डीजल बिजली के चलते खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फूड इन्फ्लेशन दिसंबर में बढ़कर 4.05% हो गई है, जो नवंबर में 1.87% थी। क्लोजिंग एंड फुटवेयर इन्फ्लेशन दिसंबर में 7.94% के मुकाबले 8.3% रही। पल्सेस इन्फ्लेशन नवंबर में 3.18% थी, जो दिसंबर में घटकर 2.43% हो गई है। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन दिसंबर में 10.95% रही, जो नवंबर में 13.35% थी। तो वहीं हाउसिंग इन्फ्लेशन दिसंबर में 3.66% के मुकाबले 3.61% रही। एक तो कोरोना में पहले ही लोगों के काम धंधे मंदे हैं, ऊपर से महंगाई आम आदमी पर डबल अटैक के तौर पर काम कर रही है। ये महंगाई आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है, क्योंकि हमेशा बढ़ती महंगाई ग्रोथ पर असर डालती है। हालांकि अभी भी महंगाई दर RBI के लक्ष्य के दायरे में है। RBI का लक्ष्य महंगाई दर को 4-6% के भीतर रखने का है, लेकिन दिसंबर में महंगाई 6% के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। अगर जनवरी में भी महंगाई 6% के आसपास रही तो आने वाले दिनों में RBI ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला कर सकता है, यानी कर्ज महंगा हो सकता है। दूसरी ओर नवंबर औद्योगिक उत्पादन दर में इजाफा देखने को मिला है, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन दर 1.4% रही। पिछले साल इसी महीने IIP की ग्रोथ -1.6% थी, जबकि अक्टूबर में IIP की ग्रोथ 3.2% थी। नवंबर में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 5% रही, जो पिछले साल इसी महीने में 5.4% थी। इस बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 0.9% रही, पिछले साल इसी महीने में ये 1.6% थी। औद्योगिक उत्पादन भले ही बढ़ा हो, लेकिन महंगाई आम जनता से लेकर सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। महंगाई पर काबू पाना जरूरी है, वरना ये महंगाई ग्रोथ के लिए नासूर बन जाएगी।